नगर पालिका खैर से चेयरमैन पद के प्रत्याशी चौधरी अतुल गोयल ने खैर में मुख्य मार्ग पर स्थित बाबा साहेब अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इस उपलक्ष्य में उन्होंने प्रसाद भी वितरण किया। चौधरी अतुल गोयल ने कहा कि भारत सदैव बाबा साहेब अंबेडकर का ऋणी रहेगा। उनके त्याग व तपस्या ने हमें संविधान दिया है। हम सभी को उनके पद चिन्हों पर चल देश की प्रगति में भागीदारी निभानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं कैलाश गोयल और आज हम मौजूद हैं इस समय अलीगढ़ की नगर पालिका परिषद खैर में। यहां पर चेयरमैन प्रत्याशी चौधरी अतुल गोयल और उनके समर्थकों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिस उपलक्ष्य में यहां पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बड़ी धूमधाम से उन्होंने आज जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट किया। उनके कुछ समर्थक हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आज जिस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। और हमारे साथ में चौधरी अतुल गोयल जी के पिताजी भी आज इस मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भाऊ जी, आज इस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो सदैव से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का प्रशंसक रहा हूँ। इन्होंने भारत का निर्माण किया है, भारत के संविधान का निर्माण किया है और एक दिशा दी है सभी को एकजुट होकर के राष्ट्र सेवा के लिए। ये बहुत महान पुरुष थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण मैंने ही 1994 में डॉक्टर बी आर रामास्वामी जो कपड़ा मंत्री थे उनके द्वारा भाई बुद्धप्री मौर्य के द्वारा कराया था। मैंने उनको बुलाकर इस प्रतिमा का अनावरण कराया था और उसी समय राजेश पायलट वगैरह की भी इसमें बहुत ही सहमति। धन्यवाद। और हमारे साथ में यहाँ के जो प्रत्याशी हैं अतुल गोयल जी, थोड़ा सा पे धराएंगे, वो भी हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। आज आपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 132वां जो है जन्मोत्सव आपने जो मनाया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी उम्मीद के साथ ही जो मेरे कार्य हैं और बाबा अम्बेडकर जी का आज जयंती का प्रोग्राम है उसमें पूरा सहयोग और हर समय तैयार रहूँगा। और भी कुछ समर्थक हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। कुछ युवा साथी, आप कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? ऐसा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे नहीं पूरे समाज के नेता थे और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, परंतु कुछ अचानक तक उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया, समाज को उल्टा सीधा कह के उनके संविधान को भी तटस्थ कर दिया। बस मैं यही कहूँगा। आप देख सकते हैं इस मौके पर उनके समर्थकों में ये थोड़े से भावुक भी हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रति यहाँ के लोगों में एक प्यार भी देखने के लिए मिल रहा है। जुड़े रहिए, फिर जल्द मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।